सिर्फ एक बार लगा लो, आपके बाल इतने लंबे और घने हो जाएंगे कि। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए YouTube वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने छोटे बालों को लंबा, घना, सुंदर और सुनहरा बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपके बाल बढ़ना रुक चुके हैं या फिर झड़ना शुरू हो गए हैं या फिर आपके बाल दो मुहे हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बगल में आए हुए घंटी को दबा दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की जानकारियाँ आप सभी को अक्सर जल्द से जल्द मिल जाया करेंगी। तो दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें मात्र दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपके घरों में बहुत ही आसानी से हमेशा अवेलेबल होती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वह है दोस्तों चाय पत्ती। दोस्तों चाय पत्ती में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि आपके बालों के ग्रोथ को बढ़ाता है, आपके बालों को काला और सुंदर बनाता है, और दोस्तों इसके साथ साथ ही आपके दोमुहे बालों की समस्या को भी खत्म करने का काम करता है। तो दोस्तों आपको इसके लिए सबसे पहले लगभग आधी गिलास की मात्रा में पानी का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों पानी लेना है आपको, और दोस्तों उसके बाद आपको इसमें लगभग एक चम्मच की मात्रा में चाय पत्ती का इस्तेमाल करना है। आप एक चम्मच की मात्रा में चाय पत्ती ले लें और दोस्तों इसमें मिला दें, और फ्रेंड्स इसको इसमें मिला देने के बाद आपको इसे हीट करना है, गर्म करना है। तो फ्रेंड्स इसे मैंने गर्म कर लिया है और दोस्तों आप देख सकते हैं इसका रंग बदल चुका है। तो फ्रेंड्स आपको इसे सबसे पहले छन्नी की मदद से छान लेना है। तो फ्रेंड्स अब इसे मैंने पूरी तरह से छान लिया है, और दोस्तों इसके बाद इस रेमेडी में हम एक और चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपके बालों को मॉइस्चराइज करने का बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, और दोस्तों वो है शैम्पू। दोस्तों शैम्पू के इस्तेमाल से आप अपने बालों को मॉइस्चराइज करते हैं, जिससे कि आपके बाल सिल्की और स्मूथ बनते हैं। एक शैम्पू को अच्छी तरह से मिला लेना है। दोस्तों आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं जिसका आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, और दोस्तों इसके बाद आप इन दोनों चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिला दें। तो फ्रेंड्स मिलाने के दौरान जब इसमें झाग आने लगे तो आप समझ लीजिए कि शैम्पू पूरी तरह से मिल चुका है। और दोस्तों अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आप स्नान करने से लगभग एक घंटा पहले इसे अपने बालों में लगाएं, और दोस्तों आप इसे अपने बालों की जड़ों से लेकर सिरे तक लगाएँ और अपने बालों की अच्छी तरह से मसाज करें, मालिश करें, और दोस्तों उसके बाद आप इसे लगभग 45 मिनट के लिए या फिर एक घंटे के लिए ऐसा ही छोड़ दें। एक घंटे के बाद आप इसे साफ पानी से वॉश कर लें, स्नान कर लें। और अगर आप इस रेमेडी का सप्ताह में 3 बार इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आपके बाल बहुत ही तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देंगे, उनकी झड़ने की समस्या खत्म हो जाएगी और आपके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों यारों में शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।